এটাই। चैनल अगेन। तो आज मैं जाने वाला हूँ फ्रॉम चेन्नई टू कोलकाता, एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज आज ये मेरा फर्स्ट सोलो फ्लाइट होने वाला है। तो थिंग्स आर नॉट क्वाइट गुड, क्योंकि मेरा फ्लाइट है कल सुबह 6:15 को। अभी टाइम है 11:15 और मैं घर से ऑलरेडी लाइक समथिंग अराउंड 10:30 to 10:45 मैं निकल गया हूँ। तो जो इशू है वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। तो अभी जो इशू है कि कल से चेन्नई में बहुत सीवियर वाला बारिश हो रहा है। ज़्यादा डीप है क्या? तो 9th को शायद एक साइक्लोन भी चेन्नई में हिट करने वाला है, तो उसी के लिए हेवी रेन हो रहा है विथ थंडरस्टॉर्म। तो अभी तक पता नहीं, फ्लाइट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था बोर्डिंग पास को लेके, और वेब चेकिंग नहीं हो रहा था, बट फिर भी निकल चुके हैं और कैब भी बुक नहीं हो रहा था, बट फाइनली वी बुक्ड वन। एंड ये भैया जो अभी ड्राइव करके जा रहे हैं ये भी बहुत अच्छे हैं। लाइक सब लोग ऑलमोस्ट कैंसिल कर रहे थे, पूरा पानी फुल था, बट फिर भी ये आ गए। तो अभी पता नहीं, और हम लोगों को ऑलमोस्ट 7 to 8 hours एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ेगा। सो लेट्स सी। सो फाइनली एयरपोर्ट तक आ चुके हैं और अभी वेट कर रहे हैं। अभी टाइम 11:50 है। एक प्रॉब्लम था, सामने ये जो डिस्प्ले दिख रहा है आपको, इधर डिस्प्ले, तो इधर हर फ्लाइट का लाइक डी डे लाइक विद टाइमिंग सब कुछ दे रहे थे कि कौन सा फ्लाइट डिलेड है, कौन सा रीशेड्यूल्ड हुआ है या कौन सा ऑन टाइम है, बट मेरा फ्लाइट इधर दिखा नहीं रहा था। तो समय में जाके काउंटर में पूछा, स्पाइस जेट का जो काउंटर है बिल्कुल उसके नीचे, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आफ्टर 12 o'clock वो डिस्प्ले होगा। अरे टाइम जा ही नहीं रहे, अभी टाइम है 12:50 लाइक नियर अबाउट 1 o'clock। मैं इधर बैठा हूँ, पापा इधर बैठे हैं, दादी के साथ बात कर रहे हैं, बट लोग मुझे घूर भी रहे हैं कि मैं पीछे के कैमरा से क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उनको स्क्रीन दिख रहा है मैं बैक कैमरे से शूट कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। अ कप ऑफ टी एंड अ कप ऑफ कॉफी। सिक्योरिटी चेकिंग इज़ डन। अभी मेन जगह पे जाना है, गेट नंबर 3। आई एम फॉरगेटिंग एवरी सिंगल थिंग, शिट। ठीक है, मिल जाएगा गेट नंबर 3। और उसके बाद मेरा अभी चेक होगा, मेरा कैमरा बैग और मेरा हाथ वाला बैग, वो होने के बाद एवरी थिंग विल बी डन। इट्स टाइम फॉर द मोस्ट घटिया वाला थिंग, जो है सिक्योरिटी चेक। अच्छा यार, मैं सब कुछ खोलो और रखो। तो फाइनली सब कुछ हो चुका है, एंड आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गेट नंबर 3। तो शिट फोकस। हाँ, तो अभी देखता हूँ, अभी टाइम हो रहा है 3:33। वाओ, गेट नंबर 3, 3:33। तो अभी वेट करना पड़ेगा, फ्लाइट है 6:15 का। अभी मैं अकेला हूँ, पापा चले गए हैं, और वो सिक्योरिटी चेकिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था, क्योंकि एक प्रॉब्लम था, मेरा जो कैरियर बैग है, मतलब जो केबिन बैग है, वो मेरा एक्स्ट्रा वेटेड था। तो इन दैट केस अभी देखते हैं क्या होता है, एंड थिंग्स आर टोटली डन, अभी सिर्फ बोर्डिंग करना ही बाकी है। सो वंस वी कंप्लीट विद एवरीथिंग हो जाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अभी मुझे करना क्या है। ये 3.5 घंटे मूवी भी देख सकता हूँ, बट मन नहीं कर रहा है। बहुत चीज़ें लाइक दिमाग में आ रहा है, लाइक 8 years of living in Chennai and finally leaving the place with a new experience, जो पहली बार अकेले travel करना। तो हाँ, things are new, तो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। वैसे मैं इधर अकेले ही बैठा हूँ,
नोबडी इज़ हियर, और पीछे कुछ लोग हैं, आगे कुछ लोग हैं, एंड व्लॉग करते हुए दे आर लाइक कर क्या रहा हूँ, तो एक बहुत घटिया वाला वो लोग स्टेयर दे रहे हैं। स्टिल आप था भाई जोगिंदर भवंडर लाएगा तो मैं उतना कुछ देख नहीं रहा हूँ उन लोगों को। अभी 6:15 में मेरा बोर्डिंग स्टार्ट होगा, फिर जाना है। फिर यार मैं बहुत मन था एक टाइम लैप्स लेने का मेरा, जो कि विंडो को हाफ बंद करके जब वो टेक ऑफ होगा उसका पूरे सीक्वेंस का टाइम लैप्स, बट पता नहीं क्योंकि मैं अकेले जा रहा हूँ। अगर मैं मम्मी पापा के साथ जा रहा होता तो पूरा एक स्लॉट सीरीज मिल जाता है, तो उधर मैं ऑब्वियसली मैं विंडो सीट ऑक्यूपाई कर लेता हूँ। बट अभी जैसे कि मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ तो आई डोंट नो कि मेरा कौन सा सीट होगा। तो अगर होपफुली लकीली मुझे मिल जाता है तो होगा एंजॉय, कुछ टाइम लैप्स आएगा, कैमरा भी साथ में है। आई डोंट नो दे विल अलाउ और नॉट, बट अगर अलाउ करते हैं तो थोड़ा शॉर्ट्स भी ट्राई करूँगा बैठ के। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का फ्लाइट है, लेकिन ये भी मेरा सबसे लंबा फ्लाइट है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं जब भी कोलकाता जाता था 2 आवर 5 to 10 मिनट में मैं पहुँच जाता था, बट इट इज़ ओवर 2.5 आवर, तो कुछ तो करना पड़ेगा। टायर्ड हूँ, फ्रेश भी हूँ, आई डोंट नो। एंड ऊपर कितना पैसा है अभी उनका, एक एक कॉफ़ी एक एक चीज़ों का कितना सारा पैसा है, मतलब अरे यार शिट। सो आई एम फाइनली ऑन द गो टू बोर्डिंग, तो अभी नीचे यार पैर भी स्लिप कर रहा है। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट आधा रास्ता हो गया है, बहुत देर तक वेट किया मैं, एंड बहुत लाइक सीवियर वाला ठंड है यार, ठंड मतलब एकदम सीवियर वाला, मैं पूरा कांप चुका हूँ, मेरे अंग अंग से चीखे निकल इतना ठंड है। बट ठीक है, अभी यार मुझे ना वो वाला फील चाहिए था जो डायरेक्ट ब्रिज से फ्लाइट में घुसा देते हैं ना, वो मस्त होता है, लेकिन शायद अभी ये बस से लेके जाने वाले हैं। ओके चलो ठीक है, होगा होगा कुछ नहीं तो कुछ और ही सही। डायरेक्ट फ्लाइट डायरेक्ट फ्लाइट ही दे रहे हैं, हाँ नहीं 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 आई वॉज रॉन्ग, तो ये डायरेक्ट फ्लाइट वाला ही है। सो यस चलते हैं, जाते हैं, एंड कुछ देर बाद अगली बार मोदी सरकार। Please do not leave or change your seat unless necessary and avoid touching any surface in the cabin. Please place your hand luggage handles in the passenger seat overhead. Finally, I'm inside the airport. अभी तक boarding चल रहा है and successfully I got the window seat. So अगर मुझे कुछ shots मिलता है, I'll let you know. बाथरूम का इतना छोटा सा है, एंड नाउ हैव टू गो टू माय सीट, क्योंकि अभी लैंडिंग टाइम हो चुका है। सो बाय, तो ये छोटा सा बाथरूम है। फाइनली हियर वी हैव लैंडेड, आई डोंट नो हाउ फार आई एम ऑडिबल, पीछे ही मेरा फ्लाइट है प्लेन जिससे मैं आया हूँ, और अभी दोनों साइड से अभी तक वो चल रहा है। सो यस searching for gate number 8. Gate number 8. comes number 8, और अभी मुझे मेरे बैग के लिए वेट करना पड़ेगा। जब मैं उधर था वो द सेकेंड वन जो बैग दे दिया था, ओ हियर इट इज, हियर इट इज, हियर इट इज, सॉरी शायद एक प्रॉब्लम हो गया है,
मैं जब अपना वो ले रहा था बैग, तब देखा एक टी शर्ट बाहर था, और अब पता नहीं कुछ बीच में खो गया है कि नहीं, लाइक आई हैव नो क्लू एट ऑल। शिट, एक हाथ से लगा रहा हूँ, तो मैं शॉर्ट तो कर दिया हूँ अभी, बड़े पता नहीं एग्जिट कहाँ पे है। तीन बड़ा बड़ा बैग है और ये टी शर्ट भी निकल चुका है, अभी देखते हैं कहाँ से निकल सकते हैं हम लोग। हमें ऑडिबल